तो गाइस ये हमारा थर्ड ब्लॉग है और फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग में आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसी वजह से हम आज थर्ड ब्लॉग लेकर आए हैं। और ये ब्लॉग हम बना रहे हैं खेत में, क्योंकि हमारे खेत में चल रहा है पानी इस समय, इसलिए हम आपको दिखा दें हमारा खेत। ये पूरा फ्लैट हमारा है जो, और ये हमारे गांव में इस प्रकार से पानी को रोकते हैं इस वाली नहर से हमने इसके जरिए पानी इसमें क्या टीन लगाया है और फट्टी लगाई है, इससे हम रोकते हैं पानी को। इससे हम सीधा यहाँ एक पाइप लगाया गया है और इसके जरिए हम यहाँ से इस छोर पर पानी बह रहा है। तो यहाँ से पूरा खेत को दिया जाता है, मतलब ये वाली नाली से सीधा जाएगा पानी और इधर जा रहा है, ऐसे ही पूरा फैल जाएगा पानी। हम बता दें आपको कि ये ठंड का मौसम है तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है अभी इस समय। अभी बजे हैं 5:30, लेकिन यहाँ पर ठंड बढ़ते ही जा रही है। यह हमारा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खुडवासा। तो ये हमारा पूरा फ्लैट है, आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं सूरज अभी अच्छे से डूबा भी नहीं, लेकिन ठंड अभी भी बहुत पड़ रही है। गाइस आप देख सकते हैं कि खेत में पानी देने के लिए हमको बीच तक जाना पड़ता है, क्योंकि पानी कहीं कहीं, मतलब हमको पूरी जगह पानी देना पड़ता है, कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पानी खोल दिया कि वो पूरे खेतों में चला जाएगा, लेकिन हमको हर छोर पर जाकर पानी देना पड़ता है। गाइस हम आपसे आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए ही हम यहीं से अलविदा लेते हैं और हम आगे वाला ब्लॉग कोशिश करेंगे कि लॉन्ग से लॉन्ग लेकर आए। जय हिंद गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।